नमस्कार, मैं हूं अपर्णा रावत और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। गुरु पूर्णिमा गुरु और शिष्य परंपरा का सबसे पुराना त्यौहार। देश और दुनिया के लाखों भक्त गुरु पूर्णिमा पर सदगुरु शिरडी वाले साईं बाबा के दर्शन के लिए साईं के दरबार में पहुंच गए हैं। अपने भक्तों के साथ कैसा है सदगुरु साईं का अनूठा रिश्ता, इसे जानने के लिए गुरु पूर्णिमा पर साईं दरबार का दिव्य दर्शन कीजिए। शिरडी में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब, शिरडी में उमड़ा आस्था का महासैलाब। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई। गुरु पूर्णिमा पर महागुरु के दर्शन की मनोकामना। गुरु पूर्णिमा यानी गुरु का दिन, गुरु के दिव्य दर्शन का दिन। सद्गुरु साई नमो नमः, गुरु शिष्य परंपरा का सबसे प्राचीन और महान उत्सव। जब ये अवसर आया है तो शिरडी में साईं बाबा के भक्त महागुरु के दर्शन के लिए उमड़ पड़े हैं। शिरडी में साईं बाबा मंदिर परिसर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। महागुरु की एक झलक पाने के लिए भक्तों का सैलाब सुबह से ही मंदिर परिसर में उमड़ना शुरू हो गया था। सद्गुरु साई नमो नमः, साईं बाबा के दर्शन के लिए सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में भक्तों की भीड़ जमा है। सबके सब बाबा के दर्शन की मनोकामना लिए शिरडी वाले साईं बाबा के दरबार पहुंचे हैं। सद्गुरु साई नमो नमः, ओम साई नमो नमः,
दर्शन के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से आए लाखों भक्तों की भीड़ शिरडी में जमा हो गई है। इन भक्तों के लिए वैसे तो बाबा का दर्शन किसी भी वक्त खास है, लेकिन गुरु पूर्णिमा पर बाबा का दर्शन उनके लिए जिंदगी का सबसे खास अवसर होता है। गुरु पूर्णिमा पर हर साल इसी तरह महागुरु के दरबार में महा उत्सव होता है। हर साल इसी तरह बाबा के लाखों भक्त महागुरु के चरणों में सिर नवाने के लिए यहां आते हैं। जय जय साई नमो नमः सद्गुरु साई नमो नमः। देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बसे बाबा के भक्तों के लिए गुरु पूर्णिमा सबसे खास दिन है। इसलिए वे जहां कहीं भी हो इस खास मौके पर बाबा के दरबार में हाजिरी लगाना नहीं भूलते। गुरु पूर्णिमा पर साई दरबार में हर साल होने वाले महोत्सव के लिए भक्तों के आने का सिलसिला कई दिनों पहले से ही शुरू हो जाता है। कई दिनों पहले से ही मंदिर में गुरु पूर्णिमा पर होने वाले महा उत्सव की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। हर साल लाखों भक्त गुरु पूर्णिमा पर बाबा के दरबार में अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं। गुरु पूर्णिमा पर बाबा के दरबार में भक्तों के दर्शन के लिए आम दिनों से अलग व्यवस्था होती है। सुबह से ही बाबा के दर्शन का सिलसिला शुरू हो जाता है। लंबी लंबी कतारों में लगे भक्त दोपहर में भी बाबा के दर्शन करते हैं, यहाँ तक कि रात में भी दर्शन का ये सिलसिला जारी रहता है। पूरी रात चलने वाले इस उत्सव में बाबा के दर्शन भर से भक्तों का उत्साह चरम पर पहुँच जाता है। खुद को महागुरु के चरणों में सौंप कर जैसे धन्य हो जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ न्यूज़।